अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मतीश फैशन। आज है सैटरडे, तो सैटरडे में इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है 7:15, तो इसी टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज अलग टाइप का सैटरडे है। नॉर्मली सैटरडे थोड़ा बाहर जाते हैं, तो आज बाहर जाने में मुझे टाइम नहीं मिला और मूड भी नहीं था उतना। तबीयत थोड़ा सा मतलब लग रहा है ना, गर्मी की वजह से थोड़ा सा सुस्त जैसा लगता है, तो इस वजह से बाहर भी नहीं गई। कुछ काम तो था लेकिन सोचा कल परसों कर लूँगी। कल फ्राइडे था लेकिन कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल काफ़ी काम था और उतना टाइम भी नहीं मिला था, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बनाए। और आज तो कुछ DIY बनाऊँगी। ओल्ड स्टूल या चेयर्स को भी कैसे करके न्यू कर सकते हैं, न्यू कलरफुल, तो वो आज का वीडियो मैं शेयर करूँगी। तो पहले घर का थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लूँगी, जो DIY है उसके बाद करूँगी। और स्टोन आर्ट तो ऑलरेडी शेयर किया, वो ड्राई भी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल कलरफुल। लेकिन अभी जब तक ना उसको प्लेस करूँ तब तक पता नहीं चलेगा, नहीं तो लगेगा ये कार्टून में सिक्की जैसे। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, जस्ट इसका प्रीवियस वीडियो है स्टोन आर्ट का। तो पहले घर का जो काम है वो शुरुआत करें। और अभी मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ, कल का जो स्टोन आर्ट है उसका एडिटिंग करना है, और वो संडे वीडियो, स्पेशल वीडियो, संडे बोनस देना चाहिए ना फ्रेंड्स को। और ये सैटरडे संडे दोनों दिन मैं पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कल भी करूँगी आई होप, अगर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम ना हो, मेरे साथ बहुत बार हो रहा है ये। एडिटिंग का काम है वो हो गया, कुछ सामान का DIY जो बाकी है अभी वो करूंगी। और मैंने एक बालकनी के लिए स्टूल खरीदा था लेकिन वो वुडन टाइप का था, तो वो मुझे कलर करना है। आप सब मुझे हमेशा पूछते हैं जो एक्वा कलर है वो क्या मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट नहीं है, मेरी फेवरेट है येलो कलर। एक्वा कलर शांतनु और स्वीटी का बहुत फेवरेट है, तो इसलिए मुझे हमेशा एक्वा कलर करना पड़ता है या एक्वा कलर का चीजें ढूंढना पड़ता है, और येलो कलर का सामान उतना मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा एक्वा कलर करती हूँ। तो ये स्टूल भी वही एक्वा कलर करूँगी, और जो कलर लाई थी वो तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है कहाँ से लाई थी, कौन सा कलर है। या ओल्ड स्टूल से भी सेम चीज़ें कर सकते हैं, या ओल्ड चेयर है तो वही सेम कलर से कलर करेंगे तो एकदम न्यू फ्रेश लगेगा। और ये एक छोटा सा टेबल जैसा है, ये एक फोल्डिंग टेबल है, तो ये मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था, और ये इस टाइप के फोल्ड करके आप, ये एक होल देख रहे हैं, इस हिसाब से आप टांग के रख सकते हो वॉल के ऊपर। और ये कलर मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसमें कोई कलर ही नहीं है, वुडन बेस है, तो मैं सोचा इसको कुछ कलर करूंगी, उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाऊंगी, तो पहले शुरुआत करें। और ये जो कलर मैं उस दिन लाई थी एक्वा टाइप का कलर, ये एशियन पेंट का ये रॉयल है, ये मैं वाटर के साथ मिक्स करूंगी, और ये वॉशेबल होता है, मतलब ड्राई होने के बाद आप गीला कपड़ा या कुछ भी दे के वॉश कर सकते हो हल्का सा, तो ये उठता नहीं है। जो डोर का ऑयल पेंट है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें एक शाइनी फिनिश आता है। और ये थोड़ा सा हल्का सा पॉलिश किया हुआ है, वुड पॉलिश, तो इसलिए मैं ये इस टाइप का सैंड पेपर आता है, तो इससे मैं थोड़ा सा रफ कर लूंगी, जो कलर है वो उड़ जाएगा। और एशियन पेंट के जो रॉयल है ये मैं पानी के साथ थोड़ा मिक्स किया क्योंकि काफी थिक रहता है, और रोलर के साथ कर रही हूँ क्योंकि स्प्रेड होने में इजी रहता है और स्मूथ फिनिशिंग आता है, ब्रश से उतना स्मूथ फिनिशिंग नहीं आता है, दिखने में अच्छा लगता है। और जहाँ पे रोलर नहीं जाएगा वो जगह मैं ब्रश से, छोटी ब्रश से कर रही हूँ, और ड्राई होने के बाद और एक कोट करूँगी तभी अच्छा फिनिशिंग आएगा। और
तभी मैं थोड़ा बैठ गई क्योंकि सांत्वना सूटी बोल रही है भूख लगी है, भूख लगी है, और अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:30 नहीं 9:40 हो गया। जो स्टूल मैंने अभी पेंट किया उसको थोड़ी देर ड्राई करना है, उसके बाद बाकी जो डिज़ाइन है वो करूँगी। और आज खाने में कुछ बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी शांतनु का एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी ने कुछ खाना भेजा है, केरलियन टाइप का खाना, तो वो तो है। और मैंने थोड़ा सा दोपहर में बिरयानी बनाई थी, प्रॉन्स बिरयानी, तो वो भी है थोड़ा सा फ्रिज में, तो मिक्स करके आज तो बहुत अच्छा खाना है। पहले खाना खाया जाए उसके बाद बाकी जो आर्ट वर्क है वो करूँगी। अभी हम लोग क्या खा रहे हैं, ये है अप्पम, और ये सबसे फेवरेट चीज़ है, ये है फिश पोली चट्टू, मतलब फिश का पातुरी बोल सकते हैं, बंगाली में पातुरी होता है, बनाना लीफ के ऊपर इस टाइप का। ये चिकन का कुछ केरलियन ग्रेवी है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, नाम तो बोला था भूल गई। ये मैंने सुबह में प्रॉन्स बिरयानी बनाई थी, ये किसी और दिन ज़रूर शेयर करूँगी। नहीं, केरलियन का हाथ का खाना मैंने बहुत सारी जगह पर ट्राई किया, सभी अच्छा लगता है मुझे, आज तक ना नहीं बोल सकती थी इस चीज के, आज तो मेरा दावत ही हो गया। अभी हमारा खाना खाना हो गया, तब तक ये स्टूल है ये ड्राई हो चुके हैं, और ये नेल से भी मैं ऐसे ऐसे करूंगा तभी नहीं उठेगा, क्योंकि ये कलर मुझे इसीलिए पसंद है। रेड कार्ड में आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, तो अभी इसके ऊपर डिजाइन करूंगी, कैसे करके वो तो दिखाऊंगी। मेरी जो कंप्यूटर टेबल है वो मैं जरूर कलर करूंगी, लेकिन कौन सा कलर करूंगी अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि उसके ऊपर जो पॉलिश है ना वो पहले घिस के उठाना पड़ेगा, वो भी शेयर करूंगी। यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये एक साइकिल बनाऊंगी, यहाँ पे दो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये साइकिल का चक्का है, ये एक्रेलिक पेंट है, येलो कलर कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर येलो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा लाइट कलर है। और अभी ब्लैक और वाइट मिक्स करके मैं थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर, डार्कर ग्रे, और इसी से मैं साइकिल का टायर बनाऊंगी। जो भी डिज़ाइन मैं यहाँ पे कर रही हूँ सारे मैं एक्रेलिक कलर से ही करूँगी। येलो जो कलर है जहाँ पे किया है वो ड्राई हो चुका है, तो उसके ऊपर और एक कोट करूंगी येलो का, तो एक अच्छा सा उठा उठा इफेक्ट आता है। सिर्फ येलो ही करूंगी लेकिन ब्लैक पोर्शन नहीं करूंगी।
फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है और ये साइकिल बन चुका है, तो चढ़ के इसके ऊपर मैं जाऊंगी कहीं पे भी। और एक्चुअली मुझे ये थॉट मुझे बहुत पसंद है काफ़ी दिनों से, क्योंकि लाइफ थोड़ा ब्यूटीफुल है, थोड़ा खट्टा मीठा है, उसके साथ इंजॉय करना चाहिए एज अ राइड हिसाब से, क्योंकि हमेशा हर चीज़ अच्छा नहीं आएगा लाइफ में, उतार चढ़ाव भी आएगा। जैसे साइकिल चलते चलते कहीं नीचे जाता है, कहीं ऊपर जाता है, कहीं गड्ढे में गिरता है, इस हिसाब से मुझे इसीलिए ये थॉट ज़्यादा पसंद है। तो आप अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई बनाएंगे या हनी बी या मतलब बर्ड या कोई भी चीज़ बना सकते हैं, या कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं अपना पसंदीदा। यहाँ पे अगर बी हैप्पी लिखूँ वो भी बहुत सुंदर लगता है। और अभी ये खुलने के बाद ऐसा टेबल हो जाएगा, और चलो चाय पीते इसके ऊपर तो जब बालकनी में चाय पियूंगी अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने कलर यूज़ किया है अभी ड्राई हो चुका है, सिर्फ ये जगह तो थोड़ा जो मोटा पोर्शन है वो उतना ड्राई नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। और ये गीला कपड़ा से, वेट कपड़ा से आप पोंछ सकते हो, वो खराब नहीं होता। अगर किसी को और भी अच्छा वाला मतलब चाहिए, एक टचउड बोल के एक पॉलिश आता है, एशियन पेंट का टचउड का छोटा डब्बी आता है, वो पॉलिश नॉर्मल जैसा उड़ के ऊपर पॉलिश करते हैं ना, तो वो पॉलिश अगर एक बार कर देंगे ना तो वो एकदम पूरा सिक्योर हो जाएंगे, तो आप रब करके धो भी सकते हो, लेकिन वो थोड़ा शाइनी हो जाता है, इसलिए मुझे उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। आप पानी से धो भी सकते हो, ऐसा कुछ खराब नहीं होता। अभी बोली ना मेरा कवर करना था ना, मैं बोला करूँगी, उसका एक कवर है करने के, बहुत शौक है, करूँगी बाद में। और स्वीटी ने क्या बनाया देखो, बैठ बैठ के कितना मेहनत का काम किया, एक क्यूट सा एस्ट्रोनॉट बनाया। और मैं अभी ये दो मेरी ओल्ड बर्ड हाउस है, इसको मैं पेंट करूंगी। ये भी एक ओल्ड बर्ड हाउस है, इसका रूफ मैंने बाय मिस्टेक मैंने फेंक दिया था, इसका रूफ बनाना है, फोम टाइप का है, उसी से बना लूंगी। और जो साइड का है ये कलर करूंगी, ये एक्चुअली टेबल लैम्प था, और ये जो कलर है थोड़ा ग्रेइश पर्पल टाइप का, व्हाइट के साथ मैंने इसीलिए थोड़ा पर्पल मिक्स करके और थोड़ा सा ग्रे कलर मिक्स किया, बस थोड़ा नया लगने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड है। और ये भी सेम एक्रेलिक कलर ही यूज कर रही हूँ मैं। जो कार्डबोर्ड की पोर्शन मैंने काटा है ये अब इसके ऊपर स्टिक करूंगी। आप कोई भी फेविक्विक या डेंड्राइट से भी यूज कर सकते हैं, या फेविकॉल से भी कर सकते हो। का राइटिंग परमानेंट मार्कर से भी कर सकते हो, मैं इसलिए यहाँ पे परमानेंट मार्कर यूज कर रही हूँ, क्योंकि इतना पतला लिखना कलर से बहुत डिफिकल्ट होता है, उतना फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है, इसलिए ब्लैक कलर की परमानेंट मार्कर यूज कर रही हूँ। चुका है तो पंछी आएंगे ना इसके अंदर आएंगे। और ये जो घर आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक दो साल पहले का है, ये एक्चुअली
स्पैरो डे पे हमारे कॉलेज पे एक फंक्शन हुआ था तो बच्चों का, तो स्वीटी का भी बना था, अपने अपने नाम का बना के हम लोग ट्री में उसको हैंग कर दिए थे, तो उसमें पंछी आएंगे, घोंसला बनाएंगे, इस हिसाब से तो काफ़ी सारे है, वो तो मैं किसी और दिन ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा बनवाया था मेरे घर के लिए, तो काफ़ी सारे पंछी आते भी है, घोंसला भी बनाया था, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्पैरो अभी इंडेंजर में है। कारपेंटर बना सकते हैं जैसा वो नॉर्मल कारपेंटर लकड़ी डाल के ही बनाया था छोटा मोटा। और ये तो मैंने लेके आई थी महाबलेश्वर से, काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल पहले का है, तो उस टाइम पे वो खराब था और उन्होंने ओल्ड हिसाब से मुझे दे दिया था। और मेरा ये सब बन चुका है, स्वीटी सो चुकी है क्योंकि उसको नींद आ चुका है, तो बीच में मैं बना रही थी तभी सो गई और काफ़ी लेट भी हो गया। और ये जो बनाया है ये मैं बोलूँगी किसी के घर पे छोटा सा ओल्ड स्टूल है या ओल्ड चेयर है तो उससे बना के एक बार देखिएगा, नहीं तो छोटा सा ओल्ड मतलब क्या बोलो बेंच जैसा भी है उसको भी बनाएंगे ना तो बहुत सुंदर बनेगा। ये वॉल पे करने वाला कलर है, घर पेंट करने के बाद बच भी जाए तो उससे भी आप कर सकते हो। और इसीलिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ ओल्ड चीज़ें नहीं फेंकती हो, या कहीं पे ओल्ड चीज़ें मिल जाए ना कम प्राइस में, या वो लोग ऐसे भी दे देते थोड़ा कलर कर दो, ओल्ड चीज़ भी नया हो सकता है। मुझे बना के मुझे एक खुशी हो रही होता है ना, एक चीज़ बनाने के बाद एक अंदर से खुशी फीलिंग्स होता है, तो वो आज मुझे अच्छा नींद आएगा मुझे पता है। मेरी ये जो DIY वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप सब लाइक करोगे तभी मैं DIY के लिए पुश हो पाऊँगी, क्योंकि एक DIY करना बहुत टाइम लगता है क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो चुका है, मैं बताऊँगी नहीं कितने लेट हो चुका है क्योंकि आप सब भी थोड़ा तब मेरे लिए बहुत केयर करोगे। और ये एक्चुअली दो घर जो है ये मैं हैंग नहीं करूँगी, आप सोचोगे हैंग करूँगी, हैंग नहीं करूँगी, किसी और जगह पर किसी और डेकोर हिसाब से यूज़ करूँगी, तो उसके लिए तो सेकेंड बालकनी जो वीडियो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप समझ सकते हो मैं घर के काम के साथ साथ ये सब करती हूँ, डेली ब्लॉग्स भी होता है उसके साथ, ये सब ब्लॉग्स बनाना पड़ता है। और इस टाइप का छोटा मोटा जो DIY होता है वो मेरी डेली ब्लॉग के साथ ही मैं कोशिश करूँगी पोस्ट करने के लिए, क्योंकि अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए अगर आपको DIY इस टाइप का छोटा मोटा देखना है तो उसके लिए आपको मेरी डेली ब्लॉग्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे उस दिन दिखाया था ना मैंने फ्रिज मैग्नेट कैसे करके एक छोटा सा क्लिप से बना सकते, काफ़ी सारे फ्रेंड्स अभी बोल रहे थे हमने तो क्लिप फेंक ही दिया, मैं बोला नहीं फेंकना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं जो भी DIY करूँगी मेरी डेली ब्लॉग के साथ ही आएगा। तो आज का वीडियो पे यहीं पर ख़त्म करूँगी, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और भी अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।